विधायक अनीता बधेल की अपील पर आज धोलाबाटा सिद्धार्थ नगर में लगा कोविड जांच शिविर। विधायक बधेल ने चिकित्सा विभाग में जिला प्रशासन से हर वार्ड में कोविड जांच शिविर लगाने की मांग। दक्षिण विधायक अनीता बधेल ने बताया कि धोलाबाटा सिद्धार्थ नगर में बीते एक माह में कोरोना की वजह से लगभग 20 नागरिकों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को धोलाबाटा सिद्धार्थ नगर में कोविड जांच के लिए शिविर लगाकर क्षेत्रवासियों की कोविड सैंपलिंग की अपील की थी, जिस पर बुधवार को क्षेत्र में कोविड जांच शिविर लगाया गया और लोग वहां जांच करा रहे हैं। शिविर का अवलोकन करने पहुंची अनीता बधेल ने बताया कि चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन को संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सैंपलिंग को कम ना करके सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए और हो सके तो हर वार्ड में जाँच कैंप लगाकर लोगों की जाँच करनी चाहिए, जिससे कि संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके और लोगों को समय पर इलाज मिल जाए, जिससे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सिद्धार्थ नगर में पिछले एक महीना में लगभग 20 के आसपास मौत हुई है। कॉलोनी का हर दूसरा तीसरा परिवार यदि छोड़ दिया जाए तो हर परिवार में किसी न किसी परिजन को इस दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में लगभग 5-6 दिन पहले मैंने CMHO को कहा था, जिला कलेक्टर को कहा था कि कॉलोनी में कोरोना की जांच का शिविर लगा दिया जाए। वो शिविर आज लग रहा है। यदि ये शिविर जगह जगह लगा दिए जाते तो मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती समय में ही लोगों को जानकारी मिल जाती और वो उसका उपचार कर लेते। परिवार के सभी लोग संक्रमित नहीं होते, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरे बार बार कहने पर अब सिद्धार्थ नगर में ये शिविर लगाया गया है। मुझे लगता है यह शिविर और दूसरे वार्डों में भी लगाया जाएगा, सभी वार्डों में लगाया जाता है, तो कोरोना के लक्षण का शुरुआती समय में ही पकड़ाएगा और उससे लोगों की जान जो है जाने से बच जाएगी। ऐसे कितने मैंने कहा ना, एक कॉलोनी में लगभग 20 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से 9 नाम तो अभी मेरे पास हैं, बाकी के नामों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी सही है, लगभग 20 लोगों की मृत्यु वहाँ हो चुकी है।